नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे मीठा खस्ता, जिसे आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं और बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और इसे मैंने गेहूं के आटे से बनाया है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा। और देखें कितना बढ़िया यहाँ पर हमने खस्ता बना के तैयार किया है, तो आपको तोड़ के दिखाएंगे। बहुत ही क्रंची और बढ़िया बना है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक जार ले लिया है और 2/3 कप चीनी ली है। अगर हम चाय वाले कप से नापे तो 1 कप है ये। अब हम इसे महीन पीस लेंगे और एक बाउल में निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे गर्म पानी लिया है 1 कप। और साथ में मैंने लिया है 1/2 कप यहाँ पे देसी घी, ये लगभग 100 ग्राम है। अब हम देसी घी और चीनी को अच्छे से घोल लेंगे। चीनी हमारी अच्छे से घुल जानी चाहिए। और देखें चीनी हमारी अच्छे से घुल गई है, तो मैंने यहाँ पे पुस्ता दाना लिया है, जिसे खसखस भी कहते हैं। 2 छोटे चम्मच हमने इसमें मिला दिया है। अगर आपके पास खसखस दाना नहीं है तो आप इसमें तिल भी डाल सकते हैं। अब मैंने गेहूं का आटा लिया है, जिसे मैं ज़रूरत के हिसाब से इसमें डाल दूंगी और इसका एक डो तैयार करेंगे। तो जितना ज़रूरत पड़ेगी हम गेहूं का आटा इसमें मिलाते जाएंगे, और बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा मुलायम डो नहीं लगाएंगे, ये मॉडरेट रहेगा। और डो हमने लगाकर तैयार कर लिया है, तो इसे साइड रख देते हैं। अब हम आटा से एक लोई तोड़ लेंगे। और अब हम इसे हल्का सा बेल लेंगे। आप चाहें तो इसे हाथों से भी फैलाकर इस तरह से बना सकते हैं, पर हल्के हाथों से मैंने इसे बेल लिया है। बेलने के बाद हम इसे एक बार फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और फिर से हल्के हाथों से इसे बेलेंगे। तो बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलेंगे, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, मीडियम साइज का हम इसे बेलेंगे। और देखिए हमने इसे बेलकर तैयार कर लिया है। आप जो बॉटल होती है तो उसका आपके पास ढक्कन हो तो आप उससे भी काट सकते हैं, या फिर ये कोई कटर हो आपके पास तो इससे भी काट सकते हैं, या फिर कोई छोटी कटोरी गिलास जो भी हो उससे आप इसे काट सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कट के तैयार हो जाएंगे इस तरह से। बाकी के भी हम इसी तरह से काट लेंगे। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी और इसे आप महीनों तक स्टोर भी कर पाएंगे। और देखिए हमने सारे काट लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, तो इनको हम तल लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, और तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे, मीडियम गरम करेंगे, और आँच को धीमे पे या बिल्कुल मीडियम पे रखेंगे। अब हम एक एक करके इन्हें डाल देंगे। और धीमी आंच में अब हम इन्हें इसी तरह तलेंगे, नीचे से हल्का सा सिक जाएंगे तो इनको पलट देंगे। और देखें ये फूल जाएंगे, बहुत ही बढ़िया बनेंगे। और इसी तरह हम चला चला कर इन्हें पलटते रहेंगे बीच बीच में। और देखें इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, थोड़ा कलर और हमें चेंज करना होगा।
तो इस तरह से हम इन्हें धीमी आंच में चलाते रहेंगे और तल लेंगे। और देखें इनका कलर गोल्डन हो गया है, बहुत ही बढ़िया सिक्के दिख रहे हैं, फूल भी गए हैं और इसमें क्रक भी पड़ गए हैं। तो इनको अब हम निकाल लेंगे। और रेसिपी पसंद आए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और बाकी के भी अब हम इसी तरह तल लेते हैं।